उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, कब नए साल से, मतलब ये जो 23 चालू हुआ है ना, इससे आपके लिए बुटीक से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो कुछ इस टाइप का ही होने वाला है। पहले वीडियो हो गई ना मेरी। हाँ, बुटीक चलाने के लिए या बुटीक का कुछ भी काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? स्माइल मशीन। हाँ, तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको मतलब कुछ भी काम करना हो, ये नहीं है कि सिर्फ बुटीक के लिए, घर में कपड़े सिलना हो, अपने मतलब खुद के कपड़े स्टिच करना हो, सिर्फ जो मतलब उधर जाते हैं वो वाले। हाँ, मैं ये बोलने वाली थी, बड़े पुराने कपड़े, पुराने कपड़े, या आप घर में सिलाई करते हो मोहल्ले वालों की, जैसे होता है ना उसके लिए, या फिर आपका बुटीक है, आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो कौन सी मशीन लें, और अगर आप बड़े लेवल पे कुछ बड़ा सा बुटीक खोलना चाहते हैं तो आपको कौन सी मशीन लेना है, इन सभी काम के लिए आपको कौन सी मशीन लेना है, किस पर्पस से कौन सी मशीन अच्छी रहती है, ये भी हम आपको बताएंगे, और मशीन लेने के बाद उसको ऑपरेट कैसे करना है ये भी हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। और ये तो हो गई यहाँ की बात, और दूसरी बात ये कि आपको मशीन लेनी कहाँ से, अगर आप भोपाल से हैं तो हम जहाँ से लेते हैं अभी वहीं से ले लीजिए, होलसेल में देते हैं हम लोग, हमेशा वहीं से ही ठीक करवा के लाते हैं और वहीं से ही हम लोग खरीद के लेके आए, जितनी मशीन है सामान चाहिए पड़ता है सब वहीं से लेके आते हैं, क्योंकि और हम लोगों ने मार्केट में भी ट्राई करा है कभी कभी आके, इधर शॉप वाली जो दुकानें होती है ना वहाँ पर थोड़ा सा महंगा देते हैं, इसलिए हमने मतलब चूज कर लिया वही दुकान सबसे बेस्ट है। हम लोग तो 8-10 साल से वही दुकान से ही सामान ले रहे हैं और मशीन भी वहीं से ठीक करवाते हैं, और सब ज्यादातर चीजें वहां से मिल जाती हैं, सुई भी हम वहीं से लेके आते हैं, कैंची अगर चाहिए तो वहीं से ले लेते हैं, एक्सीलेटर अगर खराब हो जाते हैं तो वहीं से ले लेते हैं, मतलब ज्यादातर चीजें वहीं से। दुकानों क्यों भटको, नहीं और पता है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, हम लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये मशीन बेस्ट है, ये मशीन बेस्ट है, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहां से ले लीजिएगा। हां, तो चलिए फ्रेंड चलते हैं मार्केट, और सिर्फ मैं और झुक जाएगा दीदी बुटीक संभालेंगे, मुझे नहीं लेके जा रही, नहीं अपन लोग चलते हैं जल्दी से मशीन लेकर आते हैं और हम आपको सब कुछ बताते हैं डिटेल्स में। यहाँ पे आपको ट्रैफिक को जरूरत से ज्यादा मिलेगा, आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पे शॉप्स दिखेंगी, और इस साइड आपको कुछ इस टाइप की शॉप्स दिखेंगी, यहाँ से आपको सीधे सीधे जाना है, आगे तो रोड बंद है। हाँ, और आगे आपको रोड बंद मिलेगी अगर आप अभी लेते हैं करंट में तो। आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का माहौल दिखाई देगा, हम लोग पहुंच चुके हैं मशीन की शॉप पर, और ये देखिए हमें इसमें से कुछ चूज करनी है, मशीन कौन सी लेना है, और ये भैया है, भैया आपका क्या नाम है? मेरा नवीन नाम है। नवीन भैया हमारे साथ है, तो वो हमें बताएंगे कौन सी मशीन लेना है और कौन से सही रहती है, अम्ब्रेला में कौन सी लेना है, अगर आपको घर के लिए चाहिए तो कौन सी लेना है, और अगर आपको बुटीक के लिए चाहिए तो कौन सी लेना है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आप लोग पूछते रहते हैं मतलब मशीन कौन सी लेना चाहिए, कौन सी कंपनी की लेना चाहिए, कौन सी सही रहती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो लेकर आना चाहिए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो भैया बताइए फिर। मेरे पास 5-7 ब्रांड है अच्छे टॉप में जो मेरे पास चलते हैं, वैसे तो है 25-30 ब्रांड, बाकी जो सबसे आप टॉप में चलते हैं जैसे वो सुप्रिया आता है, किशोर आता है, सुप्रीम आता है, सुप्रिया मतलब कौन सी वाली? मैं अभी आपको अम्ब्रेला दिखाई, सुप्रिया की अम्ब्रेला दिखाई जो बुटीक पर्पस से रहती है, इसको लोग बाग जैसे बाहर की जो सिलाई करते हैं घर पे भी यूज करते हैं, और आजकल जो घर वाले भी हैं वो भी अम्ब्रेला ही ले रहे हैं, पहले क्या होता था कि छोटी मशीनें ही ले रहे हैं, सादा वाली मशीन, सादा ऊषा वगैरह, और आजकल क्या हो गया हर कोई अम्ब्रेला ही ले रहा है, फैशन ही चल रहा है, क्योंकि क्या होता है आजकल अपने मॉडर्न टाइम में हर टाइप के कपड़े आ रहे हैं, स्ट्रेचेबल, मोटा, पतला, हर टाइप का, तो इसमें क्या हर टाइप का कपड़े चल जाते हैं, ये वो होता है, तो इजी रहता है, इसमें कुछ ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर मतलब और बुटीक के पर्पस से ज्यादा काम स्पीड के हिसाब से देखना हो तो ये एक अम्ब्रेला तो काम देती है, और अगर इससे ज्यादा जाएंगे तो इंडस्ट्रियल मशीन आती है, झुग्गी मशीन बोला जाता है उनको, तो फ्रेंड्स जो हाई स्पीड मशीन होती है वो झुग्गी वगैरह की, और उसमें कौन कौन सी कंपनी, उसमें मेरे पास जैक आता है, जोजे आता है, मेकी आता है, रूस आता है, और बहुत ब्रांड, तो मतलब सबसे बेस्ट अगर अपन देखते जाए तो कौन जैक आता है सबसे अच्छा जैक, किसी को घर में सिर्फ सिंपली घर की सिलाई करने के लिए, हाँ खुद के थोड़े से कपड़े सिलना है जो थोड़े से निकल जाती है सिलाई वगैरह, तो उसके लिए आप सिंपल मशीन भी ले सकते हैं,
तो मतलब वो लगभग कितने प्राइस से कितने तक आ मेरे पास 3800 से चालू है, पैरदान्स है, लेके तो 6000 तक की जाती है। अच्छा, मतलब 3800 रुपए से 6000 के बीच में आपको मिल जाएगी उसमें भी। अच्छी क्वालिटी। हाँ, मतलब क्वालिटी के हिसाब से रेट चेंजेस होते रहते हैं और फिर ये टाइमिंग के हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। 5000 तक की अच्छी क्वालिटी की आ जाती है, बढ़िया नॉर्मल मशीन। और अम्ब्रेला में क्या? अम्ब्रेला में दीदी 6000 से पैरदान्स है, चालू है, लेके 10000 तक की जाती है। अच्छी क्वालिटी की नहीं है, जैसे मैं सुप्रिया की बात करूँ तो 8000 की लगभग की पड़ेगी। ऐसा नहीं की मतलब अभी ये करंट का प्राइस बता रहा है और बाकी रेट मार्केट में बढ़ते हैं तो फिर इसकी भी रेट बढ़ सकते हैं। जी, मशीनरी आइटम है, इस पे रेट बढ़ता रहता है। और अगर हाई स्पीड मशीन में बात दीदी, हाई स्पीड में भी अपना रहता है, उसमें भी बढ़ता रहता है और कम भी होता रहता है। दीदी जैसे इंडस्ट्री में जैक स्विंग मशीन में जाएंगे तो उसका अभी तो करंट में 23000 रुपए रेट चल रहा है। F5 मॉडल का है उसमें, और बढ़िया अच्छा मॉडल के हिसाब से रेट अलग लगा। हाँ, मॉडल के हिसाब से रेट अलग आते हैं। जैसे A2 भी आता है, वो 27000 रुपए का आता है, और A2S आता है, और बहुत मॉडल आते हैं उसमें जैक में भी, और मेरे पास अदर ब्रांड भी बहुत है उसमें। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये तो पूछ लिया भैया रेट कौन से क्या है, लेकिन अब हम मशीन और देख लेते हैं कि किसके लिए कौन सी बेस्ट रहती है। तो भैया सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे से। तो हाउस के लिए अगर अपन सिंपल ही मतलब मान लीजिए अपने उधड़े हुए कपड़े सिलना चाहते हैं तो कौन सी मशीन ले? दीदी जैसे उधड़े हुए कपड़े के लिए जैसे हाथ वाली मशीनें भी आ जाती हैं जो लोग बाग नॉर्मली घर के लिए ले लेते हैं, और अगर पैर की भी चाहिए रहती है तो यही मशीनें वो रहती हैं। बस उसमें क्या होता है, हैंडल और बेस लगता है, और अगर आपको पैर की चाहिए तो हैंडल बेस नहीं लगता, वो पैर पे अपने काम आ जाती है मशीन। अगर किसी के स्पेस कम है तो आप हाथ वाली भी ले सकते हैं, अगर स्पेस ज्यादा है तो आप पैदान वाली। तो इसमें मतलब कौन कौन सी कंपनीज रहती है, अगर कोई लेना चाहे तो कौन सी 2-3 कंपनी आप बताइए जो बेस्ट रहती है? दीदी बेस्ट में जैसे पर्सन आता है, RMI आता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी घर में कौन सी यूज करना है। अब हम देख लेते हैं कि बुटीक के हिसाब से हम अगर लेना चाहते हैं तो कौन सी ले। मान लीजिए आप बुटीक की स्टार्टिंग भी कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आप अम्ब्रेला से कर सकते हैं। ऐसा नहीं अपना हाई बजट होना चाहिए, क्योंकि देखिए झुग्गी मशीन जो आती है ना हाई स्पीड मशीन, वो लगभग भैया कितने से स्टार्ट होती है? 20500 रुपए से चालू हो जाती है। मतलब 20000 से स्टार्ट होती है। अगर अपन बुटीक खोलते हैं 3-4 मशीन तो लेते ही हैं, तो आप 70-80000 का मशीन का ही बजट हो जाएगा। तो आप सिंपल में अम्ब्रेला ले सकते हैं। जिसके पास बजट है वो आप झुग्गी पर जाइए, मतलब जैक की जो आती है ना हाई स्पीड मशीन, उस पर ही जाइए। अगर आपके पास बजट कम है तो आप अम्ब्रेला से स्टार्टिंग करिए। अम्ब्रेला भी उतना ही साथ देती है, आप तो देखते हैं रोज मैं अम्ब्रेला पर ही काम करती हूँ। हाँ तो भाई अम्ब्रेला बताइए फिर। दीदी अम्ब्रेला में जैसे मेरे पास आकाश आता है, किशोर आता है, सुप्रिया आता है, और एक पर्सन भी आता है, वो बहुत ही चारों ब्रांड सबसे टॉप पे चलते हैं मेरे पास। हाँ? जो टेलर लोग चलाते हैं, बुटिक्स पे बहुत आपको मिलेगा लगभग आपको, ये बहुत अच्छी कंपनी की अम्ब्रेला रहता है, और इसके अलावा भी और भी कंपनियां हैं। मतलब तो ये चारों बेस्ट हैं। ये चारों बेस्ट, एक सुप्रिया की, किशोर की और आकाश की, और एक पर्सन की। तो इनमें से चारों में से आपके एरिया में जो मिल पाए आप बोले सकते हैं। और भैया ऐसे अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर आपसे अगर मतलब बाहर से मंगवाते हैं तो क्या बाहर भेजने की कोई सुविधा उपलब्ध है? वीडियो में आप मेरा नंबर देंगे ना, उस नंबर पे आप मेरे को फोन लगा लेंगे, मेरे को मशीन बता दीजिएगा कि कौन सी मशीन है, तो उस मशीन का मैं आपको अमाउंट बता दूंगा टोटल। मान लीजिए ऐसा उनको नहीं पता है कि कौन सी, तो आप उनको सजेस्ट। हाँ, मैं अपना सजेशन बता दूंगा, मेरी तरफ से जो बेस्ट होगा मैं अपना बेस्ट बता दूंगा। तो फ्रेंड्स मतलब आप भैया को कॉल कर लीजिएगा, जो भी आपको लेना हो तो आप बाहर भी मंगवा सकते हैं। तो बाहर मतलब कहाँ तक? इंडिया के अंदर सभी? इंडिया, ऑल ओवर इंडिया अपन डिलीवरी कर सकते हैं, कोरिया से, और ट्रांसपोर्टेशन मध्य प्रदेश में जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है हर जगह। हाँ। हर जगह लगभग मेरा माल भी जाता है, होलसेल का काम भी है। जब से हमने बुटीक ओपन किया यहीं से मशीन ले रहा है, और यहीं से हमारी जितनी भी मशीन है यहीं से लेके जाए, तो भैया होलसेल रेट पर ही देते हैं। तो भैया तो मतलब अभी बड़े हुए, सबसे हम अंकल से ही डील करते थे, तो अभी हम आपको अंकल से भी मिलवा देंगे। शोरूम पर भी हमने कहा आकर देख लेते हैं, वैसे हमें तो पता है हमें कौन सी मशीन लेना है, लेकिन मैंने कहा भैया से कि हम लोगों के सब्सक्राइबर इतना ज्यादा पूछते हैं, तो हमने कहा आप लोगों के लिए, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए उनसे अंकल से पहले बात की कि हमें ऐसे ऐसे शूट करना है, क्योंकि कोई पेड प्रमोशन वीडियो तो है नहीं है, हम लोग ने सिर्फ आपके लिए ही ये सब पूछ अंकल से बात की, और उन्होंने फिर मुझे अच्छे से बता भी दिया कि प्रीति ऐसा ऐसा रहेगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलिए, अच्छा है ना, मुझे तो बहुत खुशी है कि आप लोगों के लिए मैंने इतना अच्छा वीडियो शूट किया कि आप लोगों की पता चल जाएगा आपको कि कौन सा मशीन आपको लेनी है। फ्रेंड्स हम लोग इसमें आ चुके हैं शोरूम के अंदर, तो हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ शोरूम है देखने के लिए, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। भैया हमारे लिए निकाल के तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों को दिखाने के लिए कौन सी हाई स्पीड मशीन बेस्ट रहती है। तो हम देख लेते हैं, भैया के पास बहुत सारी रखी हुई है। एक तो ये वाली है, ये कौन सी है? ये सब इंडस्ट्रियल मशीन है, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, जोजे की है ये, जोजे। तो फ्रेंड्स हम लोग भैया ने जो सबसे बेस्ट मशीन है वो निकाल दी, क्योंकि ये सारी बनी हुई रखी थी, लेकिन जो क्या होता है ना, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला मटेरियल होता है वो सबसे जल्दी फास्ट बिक जाता है, तो ये वाली जैक वाली जो होती है सबसे बेस्ट होती है, भैया ने मुझे बता रहे कि भैया यही मतलब आप। हाँ, जैक बेस्ट है, उसकी हर मशीन बेस्ट आती है, अपन कोई भी चल जाए, ओवरलॉक मशीन, फ्लैट लॉन्ग मशीन, सिंगल लेडल मशीन, सब बढ़िया रहता है, बेस्ट है जैक ब्रांड।
मतलब जो इंडस्ट्रियल मशीनरी इसमें ना सबसे बेस्ट रहता। और ये बात मुझे पहले से ही पता थी, और अब ये तो मुझे पहले से पता थी क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे अपन लोग कोई भी रील वगैरह देखते हैं तो उसमें भी अपन लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, आपने भी देखा होगा, मैं तो देखती रहती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते रहते हैं वो जैक ही यूज करते रहते हैं, क्योंकि ये दिखता है, मैंने यहीं पे उसका नाम देखा कि जैक लिखा रहता है यहाँ पर, तो ये जैक ही सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि जब इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं तो शायद बेस्ट ही होगा, है ना। हाँ, और आपके पास यही सबसे ज्यादा सेल होता है। सबसे ज्यादा ये सेल है, बाकी मेरे पास ब्रांड और भी है। हाँ। मेकी है, जोजे है, और ये तो भाई वो ऑटोमेटिक मशीन है फ्रेंड्स। हाँ। ये देखिए, ये है ऑटोमेटिक मशीन, और इसके ऊपर भी वही है, और यहाँ पर भी बहुत सारी लगी हुई है। अरे भैया से पूछना कितने की है। यहाँ से लेके मतलब ये ऑटोमेटिक मशीन कुछ इस टाइप की होती है जिसमें हर काम हो जाता है, हर काम मतलब चाहे सिलाई कर सकते हैं, पीकू भी इसी से कर सकते हैं, कढ़ाई वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक जो मशीन होती है इससे सारा काम हो जाता है, पर ये घर के हिसाब से रहती है, इससे बहुत ज्यादा काम नहीं किया जा सकता है, मतलब सिर्फ अपने खुद के कपड़े स्टिच करना हो तो ले सकते हैं अपन। अब इसका थोड़ा सा रेट और बता दीजिए, लगभग कितने से स्टार्ट होगी? जैसे उषा जना में मार्वेला मॉडल है वो 10,000 रुपए से स्टार्टिंग है, लेके तो कोई गिनती नहीं है इसमें। हाँ। आप चलते जाए जैसे 13,000 रुपए 15,000 रुपए वो। हाँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मॉडल रहने, इसमें रेट इस वजह से बढ़ता है क्योंकि डिजाइन बढ़ जाते हैं और काम बढ़ जाता है डिजाइनिंग। कंप्यूटराइज ना पूरी। हाँ चलो चलो, अच्छे से नॉलेज मिल गया, भैया ने बहुत अच्छे से हम लोगों को बता दिया है। और फ्रेंड्स आप लोग एक बात याद रखिए, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए बनाया है। बाहर से भी अगर कहीं से लेना चाहते हैं तो आप इसमें हाई स्पीड वाली में जैक ले लीजिए, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है। मुझे ये पहले से पता है, लेकिन मैंने कहा आपको क्योंकि भैया सबसे ज्यादा सेल करते हैं तो उनको, इन लोगों को ज्यादा नॉलेज रहता है, क्योंकि अपन लोग तो काम करने वाले हैं तो अपन लोग मतलब रोज तो अपन लोग मशीन खरीदने जाते हैं, लेकिन रोज भैया का काम है डील करना कस्टमर को, तो उनको पता है कि कौन सी बेस्ट रहती है, तो जैक बेस्ट है। आप लोग यहां से लें, बाहर से कहीं से भी लें, आप लोग जैक ले लीजिए अगर हाई स्पीड में लेना है। और अगर अम्ब्रेला लेना चाहते हैं तो सुप्रिया, किशोर, आकाश और पर्सन, है ना भैया? हाँ, हाँ। तो इन तीन चार में से आप ले लीजिए जो आपके एरिया में मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं भैया से लेना तो आप मतलब भोपाल से हैं तो भैया आपको भोपाल में एड्रेस बताइए, क्योंकि हम लोग तो आते रहते हैं, गाड़ी से आते हैं और यहाँ से ऐसे गली में से आ जाते हैं। मेरा एड्रेस है घोड़ा निकास, न्यू गुजरात कोल्ड ड्रिंक के सामने गली में दुकान है मेरी, गली में तीन दुकानें हैं मेरी, और मेरा संगम रेडियो कंपनी फर्म का नाम है, और मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9977000156, और एक और नंबर लिख लीजिए 6266216463, जो आपको दोनों नंबर स्क्रीन पर मिल रहे होंगे। और भैया मतलब अगर आपसे कोई बाहर से मंगवाता है, हमारे सब्सक्राइबर है मंगवाएंगे तो अब ये रहेगा ना, तो आपको वो कॉल करेंगे तो आप फोन तो उठा लेंगे? मैं बिल्कुल फोन उठा लूंगा। फोन उठा के मतलब आप एड्रेस वगैरह सब चीज मतलब बता दीजिए, ये मशीन ले लीजिए, वो पर्पस बताएंगे ऐसे कि हमें इसके हिसाब से लेना, तो आप उनको अच्छे से सजेस्ट कर दीजिएगा, हमारे सब्सक्राइबर है क्योंकि ना। और मेरे को आप फिर अगर मैं से पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं तो जो मैंने 6266 वाला नंबर बताया। हाँ। उस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा तो मैं आपसे मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा। अब हम अपनी मशीन ले लेते हैं जो हम लेने आए थे और फिर हम लोग चलते हैं। तो ये वाली मशीन हमारी बन रही है, भैया कितना टाइम लग जाएगा? बस अभी 10 मिनट बस, पैदान और बनना है बस, मशीन तो निकाल दी रही है। ये तो इंटरलॉक की मशीन है ना भैया? हाँ, ये इंटरलॉक की मशीन। और ये काई की अंकल, ये काई की मशीन है? बोरा सिलने की मशीन। मतलब बोरा का मशीन। आपके कौन कौन सी मशीन मिलती है अंकल? यहाँ पे सिलाई मशीन में हर तरह की मशीन मिलती है। अच्छा, सिलाई मशीन मतलब कोई सारी कुछ भी सिलना हो सब तरीके से सिलने की मशीन मिलेगी। गाड़ी के सीट पर वगैरह बनाना है तो झुग्गी मशीन वगैरह हर तरह की मशीन मिलेगी आपको, जो भी आपको। और आपको ये तो पता ही है जब भी मशीन खराब होती है तो अंकल के पास ही हम ठीक करवाने के लिए लेके आते हैं। आपको कहीं गलत नहीं मिलेगी, और अगर आपको खराब भी अगर कुछ भी दिक्कत आती है सिलाई मशीन में तो आपको सही करवाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंकल कर देंगे। अंकल हमारे कोई भी सब्सक्राइबर आए तो आप रेट कम लगाइएगा, ठीक है? आपका नाम लेके कोई भी आएगा उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है? आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, बोल देना दर्पण बुटीक का वीडियो देखा था प्रीति का, तो बस अंकल कम रेट लगाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग मशीन लेकर आ चुके हैं, और आपको हम लोग एक बात बताना चाहते हैं, जब हम लोग मशीन लेने जा रहे थे तब दीदी यहीं पर खड़ी हुई थी, कस्टमर डील कर रही थी, और हम लोग मशीन लेकर आ भी गए, 3 घंटे से ज्यादा टाइम हुआ जब से दीदी कस्टमर ही डील कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पूरी मशीन को ऐसे बना के दे देते हैं तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इंजन अपन अलग करके लेके आते हैं क्योंकि लाने में दिक्कत पड़ती ना, इसलिए इसको उठाएंगे बस यहाँ पे रख देंगे। ध्रुव रख दो जल्दी से, ये देखिए इस टाइप से ये दिए रहते हैं, इनमें दोनों में बस फंसा के और आपको रख देना है। इस बॉक्स के अंदर क्या रहेगा? छोटा वाला। हाँ, तेल है ये तो मशीन के साथ निकलता है ना? एक हफ्ते का। हाँ, एक हफ्ते तो चली जाए। अरे एक हफ्ते नहीं चलेगा भाई, एक महीने चलता है आराम से, हम लोग तो पूरे मतलब रोज ही यूज करते हैं तो भी एक महीने चल जाता है। इसमें दो निडल दी हुई हैं। कौन सी हैं ये? इस पे लिखा तो है कुछ, देखने रहा क्या लिखा है, वैसे तो आपको ऑर्गन की ही लगानी है। चलो ऑपरेट करते हैं हम जल्दी से, अब बस इसको हमें इसको
कार में लगाना है, ये जो प्लग दिया है ना मोटर के अंदर, इस प्लग में लगाना है, बोर्ड में लगाना है, बस काम बन जाएगा। यहाँ अंदर से आपको ले लेना है, इस वाले के अंदर से, यहाँ नीचे से, ताकि पता ऊपर से कुछ दिखे नहीं। और यहाँ पे लगा देना है इसको, ये वाला प्लग, ठीक है। और यहाँ से ये जा रहा है, ये हमने बोर्ड में लगा दिया। और ये रही इसकी माल जो हमारा ध्रुव लगा के बता रहा है आपको। ये देखिए, ऐसे मशीन को पीछे करके आपको ऐसे सेट करनी है। पहली बात ये है कि आप लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं ये वाइब्रेट होती है, हिलती है, क्या करना चाहिए। तो अब आप नई लेके आए तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। देखिए, जो अपना फर्श रहता है ना, जो भी टाइल्स लगे हो आपके घर में, जो कुछ भी हो मतलब नीचे, तो उस पर देख लीजिए आप। अपन एक जैसा नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा सा रहता है, इसलिए ये जो मशीन रहती है ना ऐसे हिलती है। तो आपको इसके ऊपर सेट करना है और इसके नीचे पेपर लगाना है मोटा वाला। वो भी पोस्टर ले आई हूँ, ये मैं सूट प्रेस निकल दे रहे थे, वैसे आप लोग सूट लेते हैं तो आपके में से निकल दोगे। और अगर आपके पास नहीं हो तो देखिए, हमारे इसमें मोटर में से ये निकला है, तो आप इसको भी फाड़ के लगा सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, देखिए मुझे कहाँ गड़बड़ लग रही है, ये देखिए मुझे गड़बड़ लग रही है, ये दोनों बिल्कुल सही लग रहा है, मुझे गड़बड़ लग रही है यहाँ वाले में। ये देखिए, अगर अपन यहाँ पे थोड़ा सा लगा देंगे तो एकदम ये बराबर बैठ जाएंगे। तो अपन को क्या करना है, तीन तो बिल्कुल बराबर साइज के बनाना है, क्योंकि इसमें 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 बराबर लगेगी, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा लगाना पड़ेगा, तो एकदम बैलेंस बराबर बन जाए इससे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तीन बराबर बराबर कट कर लिए हैं, और एक मैंने ये डबल में कट किया है। डबल वाला हम इस साइड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ का ये देखिए थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, खुद में खुद ऊपर है ये। ये देखिए दिख रहा है ना यहीं से, और ये जमीन पर रखा हुआ है, ये ऊपर है। वैसे ये पैदान बराबर ही आते हैं, आपको तो पता ही है ना, अपन ने उस दिन कार्पेट बिछाया तो कैसी जगह थी, ये जगह ही ऊंची नीची है, इसलिए हम चारों में लगा लेते हैं ताकि बराबर ये जगह बैठी रहे। क्या होता है ना, ये लगा लेते हैं ना अपन पेपर, तो नीचे टाइल्स में स्क्रैच नहीं आते हैं, नहीं तो इसके वाइब्रेट होने की वजह से निशान छोड़ देती है और स्क्रैच आ जाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर घूम कर आ चुके हैं, अब ड्रॉप कर रहा है पूरी मशीन को बढ़िया, गीले कपड़े से साफ, तो आप लोग भी लाएं तो आपको साफ कर लेना है बढ़िया, और फिर आपको मशीन की करना है पूजा। और अब हमारी मालकिन आ चुकी है, इस बुटीक की मालकिन, तो करिए मालकिन जी इस नई मशीन का शुभारंभ। चलो दिया जलाओ, थोड़ी सी मिठाई चढ़ाओ। अब हमारे पास थाल नहीं, काम करी थाली नहीं है, इसमें रख के आरती कर लेंगे। ये देखो नई वाली थाली, इसे कहते हैं प्रीति वाला दिमाग, मतलब मशीन को खिलाने का बहाना है, मतलब खाना। चलो लाओ आरती मशीन जी। मशीन देवी अच्छे से चलना है, ठीक है, कभी भी कोई परेशान मत करना, बिल्कुल बहुत ही अच्छी सिलाई देना और बहुत तरक्की करना है, ऐसी प्रार्थना है, करवाना तरक्की। तो फ्रेंड्स एक काम करिए, आप लोग सबसे पहले आप लोग खा लीजिए, हाँ, मिठाई नई मशीन आने की खुशी में। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह तो हमारी हो चुकी है, अब मैं आपको इसको ऑपरेट करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा ये मशीन चलाना भी सिखाई दूं आप लोग। अगर पहली बार मशीन लेके आएंगे तो कैसे ऑपरेट करना है, तो आपको आना चाहिए ना। तो देखिए, एक मैंने गिट्टी ले ली है, इसका जो बॉबिन केस होता है वो आपको इसके अंदर ही लगा मिलेगा, यहाँ पर आ गया। और इसकी जो गिर्री होती है वो आपको इस डब्बे में मिल जाएगी, मिल गई। और ये हम छोटा वाला पेचकस निकाल लेते हैं। निकालने के बाद गिर्री को हम पहले इसको भर लेंगे बॉबिन को। ये देखिए, ये बॉबिन है हमारी, इसमें हमने ऐसे पकड़ा धागे को इसके साथ, और एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे आठ दस बार लपेट लीजिए आप, थोड़ा सा लपटा गया। इसके बाद ऐसा लंबा करके इसको मुंह पकड़ सकते हैं, या आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये हमारे पैच कैसे है, इसको हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे इधर को पकड़ना है इसको, ताकि यहाँ से तो निकलेगी ना, यहाँ से भी अपन पकड़ लेंगे तो यहाँ से भी निकलने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। साइड पे सामने रखना है, ये हमारी बॉबिन में धागा कुछ ऐसे रहेगा, ये देखिए ऐसे है, इसको हमें यहीं पे ऐसे रखना है, सामने इधर लेके जाना है और ऐसे सामने ही लगाना है। सुई अंदर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये बॉबिन उसके अंदर नहीं सेट होगी। इसको हमें सुई को पहिए घुमा के ऊपर कर लेना है, यहाँ से हमें नीचे से लगाना है इसको, ठीक है। इसका ये जो नोक रहती है वो हम अपने साइड लेते हैं, गिट्टी को यहाँ लगाना है। फिर इसके बाद आप ये जो हमारा ये दिया है ना, इसके बीच सेंटर से डाल लीजिए धागे को एक, फिर इसमें से डालना है आपको इस तरीके से, दोनों हाथ से पकड़ के, और इस वाले को यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद इस वाले में डालना है और सुई में से ये डल चुका है धागा। जैसे हम प्रॉपर स्टैंड होके बैठते हैं वैसे बैठना है, झुक के बैठेंगे तो आपके यहाँ पे बैंड होने का चांसेस रहते हैं, इसलिए ये बूट आपके जस्ट सामने आना चाहिए, सेंटर में, आईज के सेंटर में, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई बहुत बढ़िया आ रही है, पर अभी तेल निकल रहा है क्योंकि नई मशीन है, ऑयल डला हुआ है इसमें। अरे मक्का
मक्खन चल रही भाई, ये तो आवाज नहीं कर रही है ना, तो ये मोटर ज्यादा आवाज कर रही है ना ये ज्यादा मशीन आवाज कर रही है, नहीं तो बहुत ज्यादा कोई कोई मशीन ऐसी रहती है बहुत ज्यादा शोर करती है जो इरिटेट कर देती है। अच्छी आ रही है ना, सिलाई मशीन भी बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत पसंद आई। और बाकी की फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिलाई मतलब मशीन को कैसे ऑपरेट करना है कैसे चलाना है ये आपको समझ में आ गया होगा और कौन सी मशीन आपको लेनी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए ताकि आपको मशीन चलाना तो आई है और आगे आगे एक चीजें भी तो आपको सीखना है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।